नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन ज्योतिष रिभाव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो विषय है, दुकान का मुंह किस दिशा में होना चाहिए। दोस्तों आप कुछ दुकानदारी करते हैं, कुछ व्यवसाय करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, तो जो बिजनेस की जगह रहती है उसकी डायरेक्शन कौन सी दिशा में होनी चाहिए, तो इसके बारे में पूरी जानकारी आज के वीडियो में मैं देने वाला हूँ। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करते टाइम बेल का बटन दबाना ना भूले, क्योंकि मेरी जो नई वीडियो आती है उसके अपडेट आप तक पहुंचती रहेंगी। दोस्तों ये जो चैनल है ज्योतिष की जानकारी देने के लिए बनाया है, जिसमें मैं आपको ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, कुंडली शास्त्र और न्यूमरोलॉजी की पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। इससे जुड़े जो उपाय रहते हैं, टोटके रहते हैं, बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो उसका भी सोल्यूशन देने का प्रयास मैं ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों आज का विषय है, दुकान का मुंह किस दिशा में होना चाहिए। दोस्तों हर एक जन बिजनेस करता है, व्यवसाय करता है, दुकानदारी करता है, तो हर एक को उस व्यवसाय में, उस बिजनेस में सफलता नहीं मिलती है, तरक्की नहीं मिलती है। आपको मन चाही व्यवसाय में वृद्धि नहीं होती है, मन चाहिया व्यवसाय नहीं होता है, आपको व्यवसाय में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, फिर लॉस हो जाता है, फिर दिक्कत आ जाती है, व्यवसाय कुछ कुछ लोगों को बंद करने की नौबत आती है। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में एक दिशा बताने वाला हूँ, एक जो जिस साइड, जिस दिशा में आप व्यवसाय का जो करते हैं उसका मुंह, उस डायरेक्शन को, उस दिशा को, आपका दुकान हो, कुछ व्यवसाय की जगह हो, उसका मुंह अगर उस डायरेक्शन में रखते हैं तो आपको तरक्की मिलेगी, आपके बिजनेस में आपको अच्छा खासा नफा मिलेगा, अच्छा बिजनेस चलेगा, आपकी तरक्की होगी और आप सक्सेस हो जाएंगे। तो कौन से दिशा में आपको दुकान होना है? तो दोस्तों उत्तर दिशा दुकान को बहुत ही शुभ मानी जाती है। दोस्तों उत्तर दिशा में उधर मुंह आपका दुकान का है तो बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों उत्तर दिशा में दुकान का होना बहुत अच्छा होता है, व्यापारिक स्थिति अच्छी रहती है। दोस्तों इस दिशा में दुकान है तो दुकान का काउंटर भी ऐसा ही रखे कि दुकान का मालिक का जो मुंह रहता है वो उत्तर की ओर हो और काउंटर भी उत्तर की तरफ हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके दुकान में जो स्थिति है बेहतरीन हो जाएंगी, आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगे, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो जाएंगे। ऐसे ही आने वाले बहुत से उपाय टोटके मैं आपको बताते रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।